नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यवतमाल के पालक मंत्री मदन येरावार के साथ 17 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यवतमाल में आयुषी देशमुख इनके पिता के नाम पर रजिस्टर जमीन को धोखे से हथिया कर धोखाधड़ी करने के जुर्म में यवतमाल के पालक मंत्री मदन येरावार इनके साथ साथ अन्य 17 लोगों के खिलाफ रात को केस दर्ज किया गया। इसमें पालक मंत्री येरावार के साथ जिला परिषद सदस्य चिंता रमन कोले, पूर्व मंत्री संजय देवतले, इनकी पत्नी राजश्री सट्टा किंग और मुख्य अधिकारी भूमि अखिलेश अधिकारी और सहायक माध्यमिक रजिस्ट्रार आदि का समावेश है। इसमें प्रतिष्ठित लोगों के नाम आने से हड़कंप मच गया है। इस बारे में विख्यात जानकारी ऐसी कि फिरियादी आयुषी इनके पिता किरण देशमुख इन्होंने दो जमीन 22 अप्रैल को 1999 और 5 फरवरी 2002 में खरीदा था, जिसके बाद स्टेट कैडल नंबर 1657 तैयार किया गया था, लेकिन अपराधियों ने नकली दस्तावेज बनाकर मूल मालिक का नाम ही गायब कर दिया, जिसमें फिरियादी के पिता स्वर्गीय किरण देशमुख इनके स्वामित्व का प्लाट नंबर 22 में स्थित उनका हिस्सा जब्त कर लिया गया। इस बारे में फिरियादी आयुषी देशमुख ने अब जाकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस हर किसी का उद्देश्य धोखाधड़ी करने का होने के चलते सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुणे में शिक्षक का डर्टी पिक्चर, 12 छात्राओं संग करता था अश्लील हरकत, हुई जेल। जिला परिषद के स्कूल में युवती छात्राओं संग बीच की छुट्टी में अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले माह से शिक्षक की तरह से यह हरकत शुरू हुई थी। उसने छात्राओं से इस मामले के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया था। इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। जबरदस्ती शादी करवा देने के चलते उसने छोड़ा था घर। माँ बाप के न रहने के चलते अपनी मासी के पास रहने वाली युवती की जबरदस्ती एक युवक से शादी तय करा दी जाने पर घर से भाग युवती, जिसके बाद पुरास्त थाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस को उसका पता लगा कि परामर्श कर घर से वापस लाया गया। समिता मोदन पारू खलचे, उम्र 19 साल, इसके माँ बाप नहीं है, जिसके कारण वह अपने मासी के घर रहती थी। उस वक्त परिवार वालों ने उसकी शादी परिवार के ही एक युवक के साथ तय कर ली, लेकिन युवती शादी के लिए सहमत नहीं थी, जिसके कारण वह 8 अप्रैल को घर छोड़कर चली गई। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।